हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ बासमती राइस लिया है और यहाँ हमने सफ़ल मटर लिया है, नींबू का रस लिया है और हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ सॉल्ट लिया है। चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पतीले में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक को मिलाने के बाद पानी में हम इसमें चावल को डालेंगे। आधा टेबल स्पून हम नींबू का रस डालेंगे ताकि चावल खिले खिले हों। नींबू का रस डालने के बाद हम चावल को 80% पकाएंगे। फ्रेंड्स, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसे हमने तुरंत ठंडे पानी से धुल दिया है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल दिख रहे हैं। ठंडे पानी के धुलने के वजह से चावल खिले खिले रहते हैं। अगर गर्म पानी से निकालने के बाद आप वैसे ही छोड़ देंगे तो चावल आपस में चिपक जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। कढ़ाई रखी है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अगर आपको घी नहीं पसंद आता तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। का तड़के के लिए हमने यहाँ जीरा, तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार फ्लावर और दालचीनी लिया है। सबसे पहले हम तेजपत्ता एक मिनट भूनेंगे जिससे साबुत मसाले भून जाए। जीरा चटक गया है, मसाले भून गया। अब इसमें हम मटर को डालेंगे। मटर हल्का भून गया है। अब इसमें हम काजू डालेंगे और 2 मिनट इसे पकाएंगे। मटर और काजू अच्छे से भुना गए हैं। अब इसमें हम चावल को ऐड करेंगे। अच्छे से चावल को हम मिक्स करेंगे काजू और मटर में। चावल को हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसे हम कवर करके 2 मिनट पकाएंगे जिससे चावल पूरी तरीके से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल कितने खिले खिले और अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने मटर में भी नमक डाला है और चावल उबालते टाइम उसमें भी डाला था। और यहाँ हम डालेंगे मैगी मसाला जिससे कि पुलाव का टेस्ट दुगुना हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, उसको भी डालेंगे और अच्छे से चावल मिक्स करेंगे। मैगी मसाला अच्छे से चावल में मिक्स हो चुका है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। यारा हमारा मटर पुलाव। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही कमेंट में आप ज़रूर ट्राई करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।